हे गाइस, दिस इज रोनक और आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के 43 इंच 4K टीवी के बारे में, जो कि हमने 3 महीने पहले ख़रीदा था मेरे घर के लिए। तो आज हम उसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट आपको उसकी अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको उसका जो फीचर वगैरह है वो सारी डिटेल मिल जाएगी, और लास्ट में 3 महीने का मेरा रिव्यू मिल जाएगा कि क्या आपको इसमें अच्छा मिलता है, क्या इसमें आपको बुरा मिलता है, क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ हो सके तो पूरा वीडियो देखिए। उसके अलावा जितने भी उसके बाद वाले टीवीज़ जो लॉन्च हुए हैं उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो टीवी भी देख सकते हो अगर आप ख़रीदना चाहते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही कुछ टेक वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बॉक्स की और बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी बड़ा बॉक्स मिल जाता है। मोटोरोला एंड्रॉयड टीवी 43 इंच UHD 4K आप बोल सकते हो, UHD भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको गेमिंग कंट्रोलर दिया हुआ है, क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, 2.25 GB रैम और 16 GB आपको रोम मिल जाती है, डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फ्रंट फायरिंग साउंड बार आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, DTS ट्रू सराउंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट का सपोर्ट दिया हुआ है जो कि बिल्ट इन आपको मिलता है। गूगल प्ले सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए मैंने ख़रीदा है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। अब हम बात करते हैं उसके बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको अनबॉक्स करते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर इसको अनबॉक्स करते हो तो 2 से ज़्यादा जन इसको अनबॉक्स करें, क्योंकि यहाँ पे उसको अनबॉक्स करना इतना आसान नहीं है। मैंने अकेले किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पे उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ओपन करने के साथ आपको स्टैंड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंड है वो मेटल का दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मेटल का स्टैंड दिया हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी। काफ़ी सारों में आपको प्लास्टिक का मिलता है लेकिन यहाँ पे मेटल दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक गेमिंग कंट्रोलर दिया हुआ है जो कि आपको गेम खेलने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कंट्रोलर दिया हुआ है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक पॉलीथीन में रिमोट मिल जाएगा, और उसके अलावा जो पेपर वर्क यानी कि यूज़र मैनुअल वगैरह है और जो केबल वगैरह है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल माउंट किट भी इंक्लूडेड है, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे टीवी में आपको वॉल माउंट किट नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको वो मिलने वाली है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। चलिए अब हम बात करते हैं उसके टीवी के बारे में। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट उसको बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये टीवी मिलने वाला है। 43 इंच UHD यानी कि 4K टीवी आपको मोटोरोला की तरफ से मिलता है। तो आगे हम इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको RJ45 3 HDMI, एक आपको RF कनेक्टिविटी केबल मिल जाता है, 2 USB आपको पोर्ट मिल जाते हैं, एक एंटीना पोर्ट और एक AVN का पोर्ट मिल जाता है। तो ये सारे पोर्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलते हैं। राइट हैंड साइड आपको एक पावर के लिए पोर्ट मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको बैक साइड प्लास्टिक का बेल्ट मिल जाता है। आगे की ओर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको ये टीवी मिल जाता है, जहाँ पे आपको नीचे की ओर मेटल की ग्रिल मिल जाती है साउंड बार के साथ, और आपको कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले मिलेगी। नीचे की ओर मैंने मेटल के स्टैंड लगाए हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस मिलने वाला है। चलिए इसको अब सेटअप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सेटअप करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको वाईफाई के थ्रू अपने स्मार्टफोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है, और जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए, और उस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। और स्पेशली आप मोटोरोला यूज़ करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा सेटअप करना है। तो नॉर्मल सेटअप है, काफ़ी इजी है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो आप डेफिनेटली ये पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे सेटअप करना है। पूरा सेटअप होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला इंटरफेस मिल जाता है, जहाँ पे अपर साइड सारी जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाती है।
जैसे कि हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सारी कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्टेड है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल सेटअप है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फर्स्ट उसके रिमोट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वो ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा काफ़ी बटन्स वाला रिमोट मिल जाता है, जो कि एक स्मार्ट रिमोट है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ प्लस इंफ्रारेड सपोर्ट मिल जाता है। कुछ हॉट कीज दी हुई है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले, यूट्यूब एंड मीडिया के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट आप वन क्लिक वो ओपन कर सकते हो। प्लस माइनस और जो भी प्ले पॉज वगैरह के लिए बटन्स आपको मिलते हैं, वो नॉर्मल बटन सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे बीच में आपको एक गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इस रिमोट में माइक्रोफोन भी मिल जाता है, जो कि आपको अगर कोई वॉइस के थ्रू कमांड देना है गूगल असिस्टेंट को तो वो हेल्प करेगा। तो काफ़ी अच्छा है रिमोट है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको डबल ट्रिपल ए बैटरी यहाँ पे डालनी है, जो कि बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सिंपल सा रिमोट मिलता है, मुझे काफ़ी पसंद आया रिमोट। कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री में कंट्रोलर दिया हुआ है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको दी हुई है, जिसमें आपको ब्लैक कलर का वेरियंट दिया हुआ है, दो जॉयस्टिक दी हुई है और नेविगेशन के लिए, और जितनी भी ट्रेडिशनल स्विचेज है वो सारी दी हुई है। पीछे की ओर चार आपको ट्रिगर बटन दिए हुए हैं, जिसको आप अपनी तरीके से गेम में यूज़ कर सकती हो। माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप इसको चार्ज कर पाओगे। ब्लूटूथ के ज़रिए ये कनेक्ट हो जाता है टीवी के साथ, और काफ़ी अच्छा आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे अपर साइड आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, वो सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। ये नेविगेशन वाइज ये काफ़ी अच्छा है, और इसका रिमोट का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। तो मुझे ये पैनल काफ़ी पसंद आई, जो होम पैनल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ सेटिंग में जाने के बाद कि आपको यहाँ पे क्या कुछ और मिल जाता है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है और क्या कुछ रैम रोम है। तो यहाँ पे आपको अपर साइड सेटिंग में जाना है, जहाँ पे आपको डिवाइस प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें हम चले जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन है, तो उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड वर्जन 9 मिल जाता है, यानी कि पाई का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको 12 GB मिलने वाली है यूज़ करने के लिए, 4 GB इसकी जो OS है उसमें यूज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन का सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको यूसेज एंड डायग्नोसिस का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन वगैरह आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिमोट एंड एक्सेसरी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना रिमोट और जो गेम पैड है वो उसको कनेक्ट कर सकते हो। इनपुट में आपके जो सारे इनपुट है वो दिखाई देंगे, तो आपको वो अनेबल डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं उसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो 4K आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाता है, 380x2160 पिक्सल रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 60Hz की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि LED IPS डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 300 nits की ब्राइटनेस दी हुई है, और यहाँ पे आपको 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाता है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और 178° एंगल पे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यूट्यूब पे एक 4K वीडियो चलाया है, और आप यहाँ पे मुझे बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। वैसे आप 1080p में देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप एक 4K टीवी देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी आपको निकल के आती है। ऐसा मुझे पता है कि इस टीवी में आपको LG की पैनल दी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पिक्चर क्वालिटी। बेजल भी यहाँ पे काफ़ी आपको छोटी सी मिलती है, जो कि आपके टीवी में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है, तो आपको इतनी बेजल नहीं दिखेगी, और आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पे आसानी से दिखेगी। उसके कुछ सेटिंग्स वगैरह है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि इसमें कौन से सेटिंग्स आपको मिलते हैं डिस्प्ले में और ऑडियो में। तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी आपको कैसी लगी। आगे भी कुछ फुटेज होगी जहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँगा, तो आप उसको भी देख के जज करिए कि आपको कैसी लगी। मुझे ओवरऑल अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, खास करके जो व्यूइंग एंगल है 178 डिग्री का, वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने साइड से ये शूट किया
रहा है लेकिन क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इसका व्यूइंग एंगल कैसा लगा, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी लगी और क्या आपको कुछ इस तरीके की डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए या फिर नहीं। तो काफ़ी अच्छा 4K यहाँ पे आपको मिलता है इस टीवी में, तो आप इसको इसकी वजह से भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आगे हम बात करते हैं उसकी म्यूज़िक क्वालिटी के बारे में, जो कि आपको नीचे साउंड बार दिया हुआ है उसके बारे में, तो आप वो भी देखिए, उसको जज कीजिए और नीचे मुझे कमेंट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आगे की ओर आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर कलर की ग्रिलिंग में आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे दो स्पीकर्स मिलते हैं जहाँ पे आपको 20 वॉट का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको DTS ट्रू सराउंड का ऑप्शन दिया हुआ है और डॉल्बी ऑडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है और काफ़ी सारे मोड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मुझे काफ़ी पसंद आए इसके जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको फ्रंट फायरिंग चाहिए या फिर जो डाउन फायरिंग होता है वैसे चाहिए। तो अब मैं आपको एक साउंड क्वालिटी का डेमो दिखाता हूं, तो आप उसको सुनिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी। तो ये रहा साउंड का डेमो। तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वीडियो में 32 तक उसका वॉल्यूम बढ़ाया था, ये बहुत ज़्यादा लाउड है और हम नॉर्मल डेज में हम सिर्फ 7-8 वॉल्यूम पे रख के इसको यूज़ करते हैं हमारे घर पे। तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही लाउड है और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो इसका जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर है वो इसका एक एडवांटेज है कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सारे डायलॉग्स वगैरह और म्यूज़िक वगैरह सामने से सुनाई देता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं उसकी एक्चुअल सेटिंग के बारे में, जहाँ पे आप ऑडियो और वीडियो को अपनी अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकती हो। तो यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाना है। लाइव मतलब कि आप DTH यूज़ करते हो तो जो आप देखते हो वहाँ पे आपको लाइव में ये सब मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ मोड दिए हुए हैं, जहाँ पे पिक्चर मोड है, साउंड मोड है, स्लिप टाइमर है, सोर्स दिया हुआ है और मोर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मोर में आपको TV सेटिंग्स मिल जाएंगे। अगर मैं पिक्चर मोड की बात करूँ तो वहाँ पे आपको विविड, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स, यूज़र एंड गेम मोड मिल जाता है, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, जहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकती हो, कॉन्ट्रास्ट कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस वीडियो में आपको MEMC टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप बहुत ही एक्शन वाला मूवी वगैरह देख रहे हो तो आपको वो एकदम स्मूथली चलेगा। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो इसमें आपको मिलती है, काफ़ी और टीवीज में ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे साउंड के सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मोड मिलते हैं, स्टैंडर्ड, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड मूवी के लिए। यहाँ पे आप बेस वगैरह, ट्रबल वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, DTS ट्रू सराउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, डॉल्बी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारे साउंड के सेटिंग्स है। यहाँ पे आपको सेटअप में फास्ट बूट का ऑप्शन मिल जाता है, शॉप मोड है, उसके अलावा ऑडियो लैंग्वेज है, HDMI क्या सेटिंग्स है। तो ये जो जनरल जो सारे सेटिंग है वो आपको लाइव सेक्शन में मोर में जाके आपको TV सेटिंग में ये सब मिलने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये सारे सेटिंग चाहिए तो आपको सिर्फ लाइव में जाके ये सारे सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सारे सेटिंग काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
गूगल प्ले की बात करें तो गूगल प्ले मैंने ओपन किया है, आपको ये सारी जो एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ एप्लीकेशन आपको जो इसमें दी हुई है वो ही आप यूज़ कर सकते हो। तो गूगल प्ले में काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ होगी, और यहाँ पे आप गेम वगैरह भी खेल सकते हो। तो यहाँ पे 2.25 GB की रैम दी हुई है जिसमें आपको 2 या 3 गेम आप आराम से खेल सकते हो। अगर हैवी गेम है जैसे कि एस्फाल्ट 8 हो गई तो काफ़ी अच्छी तरीके से गेम वगैरह भी चलेगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं उसके फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि मैंने 3 महीने में क्या इसके साथ एक्सपीरियंस किया और क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं उसमें कि क्या कुछ आपको इस टीवी में अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नोट्स लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको क्या कुछ अच्छा मिल जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं अगर अच्छी बात बताऊँ तो इसमें डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 4K आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो 4K बहुत ही अच्छा है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो आप उसका जो डॉल्बी ऑडियो वाला ऑप्शन है वो अनेबल करके आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड क्वालिटी मिल जाती है। वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी दी हुई है और उसकी वजह से अगर आपका वाईफाई अच्छा है तो आपका जो क्रोमकास्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इफेक्टिवली यूज़ होता है। और अगर आपको कोई अपने स्मार्टफोन से कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो आप विद इन अ सेकंड कर सकते हो। गूगल होम करके एप्लीकेशन आपको ये इंस्टॉल करनी होगी अपने स्मार्टफोन में, उसके वजह से आप कनेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गेम कंट्रोलर भी यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है। उसके बाद जो रिमोट है उसमें भी काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी मिल जाती है। एक कमी है जो कि है सेटिंग की, तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। उसके बाद स्टॉक एंड्रॉयड का आपको वर्ज़न मिल जाता है, तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारी अपडेट आपको इसमें मिल जाती है। तो मुझे इसका एक एडवांटेज लगा कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करना चाहिए टीवी में, काफ़ी सारे फीचर्स आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाले एक टीवी में मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे पसंद नहीं आई और क्या मुझे प्रॉब्लम इसमें आई। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि जो मैं सोनी लिव एप्लीकेशन इसमें यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे जो ऑडियो और वीडियो का है उसमें सिंक्रोनाइजेशन कुछ भी नहीं था, आगे पीछे हो रहा था। तो मैंने मोटरोला की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके कंप्लेन की, तो फ्लिपकार्ट का एक बंदा आया, उसने चेक किया, रिबूट किया, उसको रिस्टार्ट किया, तो उसको भी पता नहीं चला कि ये इशू क्या है। तो उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसकी वजह से ये कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी सब अच्छा चल रहा है, वैसे बोल के वो चला गया। लेकिन मैंने उसको इस चीज़ को ऑनलाइन सर्च किया और काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि जो हाई एंड सोनी के टीवी होते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपको ऑडियो सेक्शन में जो बैलेंस है उसको आगे पीछे करके आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो एक मुझे डिसएडवांटेज लगी कि इस तरीके के स्मार्ट टीवी में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सॉल्व हो जाती है, तो आपको वो मैन्युअली सॉल्व करनी होगी। उसके बाद जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही आप टीवी ऑन करते हो तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप YouTube वगैरह यूज़ करना चाहो तो उसमें ट्राई अगेन आता है, तो करीबन 1 से 2 मिनट तक ट्राई अगेन आएगा, उसके बाद आपको YouTube फंक्शनलिटी वर्क करेगी। तो ये मुझे लगा कि थोड़ी देर लगती है इसमें इंटरनेट स्टार्ट होने में, कनेक्ट तुरंत ही हो जाता है लेकिन इंटरनेट स्टार्ट होने में इसमें देर लगती है। उसकी बात था वॉल्यूम का जो लेवल है उसके बारे में, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 अगर आप वॉल्यूम करते हो तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो 5 थोड़ा सा लो वॉल्यूम है और 6 थोड़ा सा हाई वॉल्यूम है, मतलब 5 से 6 पे जाने के बाद आपको वॉल्यूम थोड़ा अप हो जाता है। तो ये मुझे लगा कि इसमें इस दोनों में भी सिंक्रोनाइज नहीं है, कि एक स्मूथ कर्व होना चाहिए, उसकी जगह ये एकदम डाउन है और 6 ज़्यादा अप है, इस तरीके का कुछ मुझे लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। और एक लास्ट जो चीज़ थी वो थी उसकी टीवी सेटिंग, क्योंकि तो यहाँ पे अगर आपको टीवी सेटिंग यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले लाइव में जाना होगा, लाइव में जाने के बाद आपको मोर में जाना है और मोर में जाने के बाद आपको टीवी सेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो और आपको टीवी सेटिंग चेंज करनी है तो आपको लाइव के मोड में जाना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लगा कि इसमें रिमोट में कोई बटन होना चाहिए कि सिर्फ आप वो बटन दबाओ और सेटिंग में चले जाओ। तो उस तरीके की आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस टीवी में ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल
ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं रेटिंग देना चाहूँगा 4.5 out of 5, क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपका बजट 30,000 rupees है तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हो। और उसके अलावा कई सारे टीवीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर आपको ये नहीं खरीदना है और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकती हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो है और काफ़ी मेहनत लगी हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करना, और ऐसे कुछ टेक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।